ओह यूनिक लगा आपको? यस, बिकॉज हमारा गाना ही बहुत यूनिक है. जो हमारी बैंड है वो अर्जेंटीना से है. वो एक बहुत ही फेमस सालसा बैंड है, बहुत सारा सालसा म्यूजिक बजाते हैं. उनका नाम है काले बपोर और उन्होंने इस गाने का कंपोजिशन दिया है. सर के लिरिक्स हैं और हमारे सिंगर भी साउथ के ही हैं. उनकी जो अदाएं हैं गाने में, जो वर्ड्स के जो उन लोगों ने आलाप लिया है, इट इज़ ब्यूटिफुल. थरली इंजॉयड कोरियोग्राफिंग द सॉन्ग. जो बेसिक रिदम है गाने में वो मांबो का है, जो बीच में पीछे जो क्लावे बजता है, सो उसके ऊपर हमने स्टेप्स डालने की कोशिश की है एंड उसमें थोड़ा एक देसी तड़का डालने की कोशिश की है. तो स्टेप्स भले ही हमारे मांबो के हैं बट उसमें थोड़ा सा देसी तड़का डालने की कोशिश की है. एक्चुअली दैट इज द बेस्ट पार्ट. सर ने हमको फुल फ्री हैंड दिया था. सो हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, हम वीडियो को किस भी तरीके से बना सकते थे बट ये हमारी टीम का डिसीजन था कि कभी कभी होता है म्यूजिक वीडियोस में गाना कुछ और चल रहा है, अपने वीडियो पे कुछ और चल रहा है, बट वी कॉन्शियसली टुक अ डिसीजन कि हमको लिरिक्स के साथ जाना है. उसकी बहुत ही फिलोसॉफिकल मीनिंग है, बहुत कुछ नेचर और प्लैनेट के बारे में बात करता है. द सॉन्ग स्पीक्स अबाउट इट एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कैसे हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं नई चीज़ों को अपना के बट पुरानी चीज़ों को बिना भूले. जैसे लास्ट में अजिंक्य का भी डायलॉग है कि कभी कभी अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेके हमको अपने रूट्स में जाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग वाला जो इंट्रो है, नाइस व्यू जाता है आपके अंदर और नदी में से वो जो बात है, बहुत शानदार वो वीडियो हुआ था. सर को बताना चाहेंगे सर का कमाल. थैंक यू. उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? ट्रांजिशन बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे. थैंक यू. अभी सो इसको डायरेक्ट करते वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. जब मैंने गाने का मतलब समझा और गाने को आगे कैसे पोर्ट्रे करना है इसके बारे में जब मैंने सोचा तो एक कॉरपोरेट कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया. बट यूजुअली कॉरपोरेट पार्टीज दीज डेज आर एंडिंग अप ऑन यू नो आउटडोर क्लबिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो मुझे ऐसा एक ट्विस्ट दिखाना था कि भाई ये क्लबिंग या दारू में डूबा हुआ नहीं है इंसान, बट बल्कि अपने गांव में अपने रूट्स में वापस जाना चाहता है. सो एक ट्विस्ट, एक पर्पस ट्विस्ट देने के लिए, जानबूझ के ट्विस्ट देने के लिए आई एडेड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो सर बताएंगे जिन्होंने गाना गाया. गाना जो गाए थे पहले हम काले बपोर अर्जेंटीना के ओरिजिनल जो सिंगर्स थे उनसे गवाए थे, बट वो अपने इंडियन वर्ड्स पकड़ नहीं पा रहे थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए हमने एक इंडियन सिंगर जिसका आवाज ऑलमोस्ट सिमिलर था उसको आइडेंटिफाई कर से पृथ्वी चंद्रा करके सिंगर है वो गाना गाया है. एंड जो लोकेशंस है, लोकेशंस जिस जहाँ पे हमने मूवी शूट किया वैसे जो गांव वाले लोकेशन जहाँ पे काफ़ी नेचर है, मतलब नेचर में ही लोग, जहाँ पे बिजली भी नहीं होती वहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं, वैसे लोकेशन को हम लेके आना था. वहीं पे हम लोग अपने आप को भूल करके नेचर में एक होके हम रिलैक्स होंगे वैसे लोकेशन ढूंढना था. तो देव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब इन फाइंडिंग दैट. हमारे दर्शकों को बता सके कि ये गाना हम कहाँ कहाँ सुन सकते हैं, एक यूट्यूब में देख सकते हैं और जैसे आपका गाने का नाम है एवं जगत, evamjagat.com जो वेबसाइट है उसी में आप सारे गाने इवन मूवी भी आप उसी में देख सकते हैं. तो हम लोग जैसे मूवी रिलीज करने के लिए आए थे, देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स है और थिएटर्स है, लेकिन हम उसमें रिलीज नहीं किया था. इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा लोगों के पास लेके जाने के लिए हम वेबसाइट में सीधा रिलीज किया है और जिसमें सारे चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगे. लाइक इस मूवी में जितने भी गाने हैं, जितने भी लोग हैं, जितने आर्टिकल्स उस मूवी के बारे में लिखे हैं, सब कुछ एक ही जगह इकट्ठे किए हैं ताकि 10 साल भी हो जाए इस मूवी का जो भी हमने मेहनत किया है वो एक ही जगह डॉक्यूमेंट करने की कोशिश हमने किया है. इसलिए evamjagat.com वेबसाइट में, मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं तो मैं अपने आप उस मूवी को होस्ट किया. आप
फिर कुछ आने वाले प्रोजेक्ट है? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है फिलहाल, कुछ मैं मोस्टली एक बॉलीवुड थीम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इंडिया में ही नहीं पर इंडिया के बाहर भी काफ़ी चर्चे फेमस होने वाला है। अभी मैं कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में अप्रोच कर रहा हूँ दैट वी हैव अ बॉलीवुड थीम बेस्ड प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू रीच आउट टू द पीपल ओवर देयर, मे बी वहाँ के इंडियंस हम लोगों को ज्वाइन करें या वहाँ के कल्चरल लोग हमें ज्वाइन करें और हमें इस स्टेज परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सपोर्ट मिले उन सब चीज़ों के लिए। हाँ, वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से रूट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल डांस से जोड़ा है इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल। मेरा ये हमेशा मानना रहा कि जो डांस है कला है वो जोड़ती है तोड़ती नहीं है, एंड आज का जो वीडियो है यही प्रूव करता है कि हमारी कला ने दोनों देशों को, दोनों टाइप की विधाओं को, चाहे वो इंडियन फोक आर्ट हो या फोक प्रेजेंटेशन हो, उसको इंटरनेशनल डांस के साथ में जोड़ा है, इस माध्यम बन गया है डांस को हमारे रूट के साथ में जोड़ने का। एंड ऑल थैंक्स फॉर जिंग के अंजलि एंड दिनेश जी, उन्होंने ये म्यूजिक वीडियो ये फिल्म बाहर लाई है जस्ट की एब्सोल्युटली वंडरफुल। अजीत के साथ में ऑलमोस्ट 15 से 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जो बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है वैसे भी, एंड जस्ट की एब्सोल्युटली वंडरफुल कि इतना अच्छा काम किया है, एक्टिंग भी इतनी अच्छी की है, डांस अच्छा है ही वैसे भी हमेशा से, और मैंने एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा, मंच पे देखा है स्टेज पे एक्टिंग करते हुए, बट इस तरह से कैमरा की एक्टिंग जो होती है अलग होती है, तो देख कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। इस जाने में वीडियो में मैंने दो चार चीज अच्छा नोटिस किया है, एक तो सिटी लाइफ है, फिर विलेज की लाइफ है, इसके अलावा जो लास्ट में मैसेज है कि जो हम इतना तनाव और जीवन जी रहे हैं उससे कुछ हमको ब्रेक लेना चाहिए, गाने के साथ एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया गया है और दो डांस के फॉर्म को एक साथ मिक्स भी किया गया है, क्या Are we talking to him or me? Oh, to me? Yeah. Okay, I think I would just say that जिस तरह से भागों को दिखाया गया, दो भाग, एक गांव का भाग और एक शहर का भाग, हमेशा हमारे अंदर ना एक बचपना रहता है, एक बच्चा रहता है जो कहीं ना कहीं पे अपने अपने जो गांव है, अपनी अपनी जो अपना घर है, ना नानी का घर हो, दादी का घर हो, वहाँ पर जाने का मन करता है हर किसी का, वहीं से हमको हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि हम आगे बढ़ सकें। हमारे शहर में इस तरह से काम हो रहा है कि हम लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, पर हमें ऊर्जा कहाँ से आती है, वही दिमाग में हमारे रहता है, तब हमारे में ऊर्जा आती है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, एंड दैट इज वॉट इसमें दिखाया गया कि किस तरह से हम लोग हमेशा बार बार कहीं ना कहीं हमारे ख्यालों में हम हमेशा अपने गांव की तरफ जाते हैं, माँ बाप की तरफ जाते हैं, अपने जो प्रिय लोग हैं उनकी तरफ जाते हैं, और बाद में वापस तो आना ही पड़ता है काम करने के लिए, पर क्योंकि हम वहाँ पर जाते हैं इसलिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम जो भी हमें शहर देता है हम उसको झेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली जिस तरह से सालसा को मिक्स किया गया इट जस्ट फील्स वंडरफुल। मैं डांस को मोर देन 50 ईयर्स से करता आ रहा हूँ एंड आई जस्ट फील्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू, आप उस स्क्रीन पर लाए। थैंक यू सो मच। कुछ डांसेज ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ावा देना चाहिए, मिलना चाहिए। आई नो इन सालसा डांस अपने में बहुत बड़ा डांस है, इंटरनेशनली इंडिया में बढ़ रहा है, पर लेकिन इस तरह से म्यूजिक वीडियो आते हैं, मूवीज आती हैं तो और बढ़ावा मिलता है, एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारे इस डांस को जिसको मैं बड़े चाह से सिखाता हूँ इस मुंबई शहर में, बाकी शहरों में आपने बढ़ाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। बताना है सो ही इज द मैन बेसिकली, इनका नाम है अंकुर, ये एक डीजे है, डीजे नेम इज डीजे एवी, एंड ये ही वो इंसान है जिन्होंने लैटिन इंडियन को मिक्स करने की कोशिश की है एंड उसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाया है, एंड इन दिस म्यूजिक वीडियो इनका भी एक पार्ट है, हिस्सा है। सो मैं इनको लाइमलाइट देना चाहूँगी अभी के लिए। सो काजे वापुर के जो मैनेजर हैं अनिबाल, उनसे मेरी बात होती रहती थी, वी वर डिस्कसिंग काफ़ी दिन तक कि कुछ ना कुछ कोलाबरेशन करना चाहिए। काजे वापुर द बैंड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर, इनफैक्ट उनका जो फ्लूट प्लेयर है उनसे हम जब बात कर रहे थे तब उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के, कृष्ण भगवान के रेफरेंसेज उन्होंने मुझे दिए कि आई नो अबाउट इंडियन कल्चर ऐसे बताते हुए। सो वी वर डिस्कसिंग, उसमें इस मूवी का डिस्कशन चालू हुआ दिनेश के साथ, तब काइंड ऑफ पुट टू एंड टू टुगेदर हमने काजे वापुर से बात की, हमने कहा वुड यू बी ओपन टू सिंगिंग अ सॉन्ग इन एन इंडियन लैंग्वेज, और बहुत ही ओपन थे, बहुत ही कोलैबोरेटिव थे,
Spanish to English, Hindi, Malayalam, Telugu, all kinds of translations were happening. और थोड़ा सा misunderstanding भी हुआ था at one point where वो नहीं समझ पा रहे थे हमें क्या चाहिए, हम नहीं समझ पा रहे थे उन्हें क्या चाहिए. But we managed to overcome that. We managed to put together a beautiful, beautiful song, and that is what you hear today. Thank you. मैं अर्जुन किशोर के साथ यू नो आई वर्क विथ हिम वर्क एज़ इन मैंने उनकी क्लासेस काफ़ी बंक भी की है, ऐसा नहीं है. तो सुबह की क्लासेस, सुबह उठना मेरे लिए एकदम जल्दी उठ के सुबह 7 बजे घर से निकल के ट्रैवल करके आना मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता था. बट आई ऑलवेज लव हमेशा अर्जुन किशोर हैज़ बीन अ पर्सन जो वार्म अप ही इतना स्ट्रॉन्ग कराते हैं कि उसके बाद जब डांस करने की बारी होती है बंदा एकदम एनर्जेटिक होता है. सो अर्जुन किशोर और उनको इस सॉन्ग में परफॉर्म करते हुए देख मुझे बहुत खुशी हुई है. ऐसे मुझे लगा नहीं कि ये हमारे सर है, ऐसा लगा कि कोई एक्चुअल में कोई प्रॉपर एक्टर है जो परफॉर्म कर रहे हैं. सो यस, उनके सॉन्ग का इस म्यूजिक वीडियो के लॉन्च का हिस्सा मैं बन पाई तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड आप लोगों को भी थैंक यू. आप लोग, हम लोग तो चलो कभी कभी कैमरा के सामने आ जाते हैं लेकिन आप लोग बिहाइंड द कैमरा होते हो एंड आप लोगों के सबसे ज़्यादा हाल होता है मैंने देखा. बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत आप लोगों को लगती है. सो आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं बन सकते. सो मीडिया इज़ ग्रेट. थैंक यू.